सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा जाल है कि जिसके अंदर हम फंसते जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का एक ऐसा मिस्टर इंडिया है जो हमारे साथ तो रहता है पर हमें नजर बिल्कुल भी नहीं आता। और सोशल मीडिया का एक चाटू एम्प्लॉई है जिसका नाम है सोशल मीडिया एल्गोरिदम, जो कुछ भी कहे बगैर यस बॉस करके उसका काम करता रहता है। अब क्या खाते पीते हो, किसके साथ खाते पीते हो, कहाँ सोते हो, किसके साथ सोते हो, इन हर चीजों का ध्यान रखता है सोशल मीडिया एल्गोरिदम। और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताता रहता है कि आपको किस प्रकार का कंटेंट दिखाया जाए, आपको किस प्रकार की बातें सुनाई जाए, आपको किस प्रकार के वीडियोस दिखाए जाए। देखो भाई, हर इंसान की तरह सोशल मीडिया में एक अच्छाई भी है और बुराई भी है। सोशल मीडिया एक हमारे दिमाग की तरह है, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जब मुझे पता चला कि सोशल मीडिया का ये चाटू एम्प्लॉई उसको मेरी सारी खबर दे रहा है, तो मैंने भी उसका एक तोड़ निकाला। और वो तोड़ से पहले मैं आपको एक तोड़ फोड़ कहानी सुनाता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपने घर में किस प्रकार के लोगों को आने की अनुमति देंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, वैल्यू या फिर किसी भी प्रकार की सीख लाए, या फिर एक क्रिंज कंटेंट की तरह आके आपकी बुराई, आपको कुछ उल्टा सीधा सिखा के चले जाए। ये सोशल मीडिया भी आपका एक घर ही है जहाँ पे आप अपने घर से ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो सोचो, इस घर में आप किस प्रकार के लोगों को आने की अनुमति देंगे जो अच्छी तरह की सीख देते हैं, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, ना कि आपको नीचा दिखाते हैं, आपको फील करवाते हैं कि आप गरीब हो, आपको फील करवाते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, या आपको फील करवाते हैं कि आप अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हो। तो मैंने भी बस यही चीज़ की। मैं पहले गया अपने फॉलोइंग्स में, और अपने फॉलोइंग्स में जाके मैंने सबसे पहले देखा कि इन लोगों में से, इन अकाउंट्स में से कौन है जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यूज ऐड करते हैं। उनके अलावा के सब लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी से और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर दिया। आज तुम भी जाओ, अपना अकाउंट देखो और उसमें से उन लोगों को दफ़ा करो जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यूज ऐड नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो या फिर आप सोने जाते हो, आप वही चीज़ें देखें जो आपके लिए अच्छी है। वरना भाई, बात तो वही हो गई, वो इंसान दिमाग हो या सोशल मीडिया अकाउंट, संभालना आना चाहिए। जे संभाल लिया तो वो आपके दोस्त हैं, जे ना संभाल पाए तो आपके दुश्मन हैं। ज़िंदगी में एक वो चटू इंसान रहेगा जो आपके घर पे या आपके बॉस को आपकी खबर पहुंचाता रहेगा, तो उससे दूर रहो और अपनी ज़िंदगी को खुश मिजाज बनाओ। अब आप खुद तय कर लो, आपको सोशल मीडिया को अपना दोस्त बनाना है या दुश्मन। चाहे ज़िंदगी में सब लोग ट्राई कर रहे हैं, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कुछ नया नया करने का, कुछ नया नया सीखने का। मैं एक थाली सजा के देता हूँ, अब उसमें से आपको मिठाई खानी है, आपको तीखा खाना है, आपको नमकीन खाना है, वो आपके ऊपर। आप जिस हिसाब से लेना चाहते हो लो, मज़े में लेना चाहते हो मज़े में लो, सीख में लेना चाहते हो सीख में लो, और बस हमारे साथ जुड़ते रहो। तो इसके साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा कुछ अलग सा ट्राई था, अगर आपको पसंद आया तो बताना कि इस प्रकार के सीख वाले वीडियोस बनाओ, तो ऐसे बनाएंगे, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए big work hard stay positive make it happen remember your passion is for you and your purpose is for others make it and create something very 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 beautiful just like you